प्रिय विद्यार्थियों, आरसीएच बालासन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं अल्फा कण, परक्रमण परिवेग तथा परमाणु कार्यदर्शन नामक के मॉडल। देखिए भाई, इसमें ये जो अल्फा कण जो प्रयोग है, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें ये इसकी बनावट है, संरचना है। इसमें एक लैड बॉक्स होता है और यहाँ पे जो लैड बॉक्स होता है, हम उसके अंदर एक विस्मित का एक अल्फा कण स्रोत लेते हैं और इसके जस्ट सामने यहाँ पे लैड प्लेटें लगा दी जाती है। इसके पश्चात इसके सामने यहाँ पे एक सोने का जो पन्नी होती है, वो पन्नी यहाँ पे लगाते हैं और इस सोने की पन्नी के बाद में यहाँ पे हम एक पर्दा लगाते हैं। ये जो पर्दा है, हम इस पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है। ये लैड बॉक्स होता है, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हम एक लैड बॉक्स में एक अल्फा कण स्रोत लेते हैं, जो हमने विस्मित का लिया है। यहाँ से अल्फा कण बाहर निकलते हैं, अल्फा कण पुंज कहलाते हैं, लैड प्लेट लगा दी जाती है। इसके सामने ये स्वर्ण पत्र हो गया, इसके सामने यहाँ पे सोने की जो है ये एक पर्दा लगाते हैं, जहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, तो ये जो प्रयोग किया गया था, इसमें ये पाया गया कि अल्फा कण जो होते हैं, वो किस तरह से उनका परिक्रमण होता है, वो किस किस कोण पे वो विक्षेपित हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपने विचार दिए, तो जो ये वैज्ञानिक हुआ था रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने इनके निर्देशन के अंदर गाइगर और मास्टन उनके दो साथी हुए थे, तो इनके निर्देश पर गाइगर और मास्टन ने ये प्रयोग किया। देखो, उन्होंने अल्फा कण स्वरूप में विस्मित का नामक लिया। अपन जानते हैं कि अल्फा कण जो कण दो क्या होते हैं, अल्फा कण ऐसे कण होते हैं, अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण होता है 2HE4, यानी अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान से प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अल्फा कण ऐसे कण होते हैं जो अपने आप ही ये स्वतः ही विकृत होते रहते हैं, जैसे कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे पोलोनियम है और रेडियम है, यूरेनियम है। ये ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा कण अपने आप ही निकलते रहते हैं, इनका अपने आप ही स्वतः ही इनका उत्सर्जन होता रहता है। तो ये लैड बॉक्स है, यहाँ पे अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं और ये लैड प्लेटें लगा दी जाती हैं ताकि ये एक रेखा में संरेखित हो सके, यानी एक ही पुंज के रूप में चल सके। इसलिए इनका अलग दिशा में यहाँ विक्षेपित नहीं हो सके, इसलिए यहाँ पर लैड प्लेट जो है वो लगाई जाती है। और यहाँ पे ये जो सोने की पन्नी यहाँ पे उपयोग में ली जाती है, क्योंकि सोने का जो नाभिक होता है ये अन्य नाभिक की तुलना में 50 गुना अधिक भारी होता है, इसलिए इस प्रयोग करने के लिए सोने का जो परमाणु यहाँ पे लिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है और ये जो देखो अल्फा जो कण है, अल्फा कण जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग एक तरफ निर्वात में किया जाता है। क्यों? ताकि जो अल्फा कण है ये किसी अन्य कणों से टकरा न सके, इसलिए इस प्रयोग को निर्वात में किया जाता है। जैसे अल्फा कण यहाँ पे टकराते हैं इस पर्दे पर, तो यहाँ पे चमक उत्पन्न करते हैं। तो ये तो उसका डायग्राम है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से अल्फा कण बाहर निकलते हैं, ये लेट प्लेट लगा दी जाती है ताकि ये अन्य संविक्षित न हो सके, फिर यहाँ पे टकराते हैं, ये सोने की पन्नी यानी सोने का परमाणु लिया जाता है और यहाँ से अल्फा कण आप देख पा रहे हैं अलग अलग कोण पे इनका विक्षेपण हो जाता है, इनका प्रकरण हो जाता है और यहाँ टकराते पर्दे पर, यहाँ चमक उत्पन्न करते हैं। पर देखो, इस प्रयोग से क्या तथ्य निकाले, तो अब हम प्रेक्षण की बात करेंगे। देखो, नंबर एक पर क्या है कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो बिना प्रकृत हुए स्वर्ण पत्थर से, यानी सोने का जो पन्नी है, सोने की पन्नी से आर पार चले जाते हैं। यानी इस प्रयोग से पहला प्रेक्षण, पहला तथ्य ये लिया गया कि भाई अधिकांश जो अल्फा कण है ये बिना प्रकृत हुए, बिना विक्षेपित हुए इस सोने की पन्नी से, इस सोने के पत्थर से आर पार चले जाते हैं।
दूसरा ये लिया गया कि कुछ अल्फा कण होते हैं जो टॉमसन मॉडल से अपेक्षित विचलन कोण 1 डिग्री से भी बहुत अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। देखो इसमें क्या है, प्रयोग में देखा गया कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो टॉमसन जो मॉडल है इससे भी अपेक्षित विचलन कोण से यानी 1 डिग्री से भी अधिक कोण पर इनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब यदि हम टॉमसन मॉडल को सही मान लें, टॉमसन मॉडल ये कहता है कि अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है वो 1 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि इस प्रयोग में देखा गया कि जो अल्फा कण है उनका जो प्रकीर्णन है वो 1 डिग्री से अधिक कोण पर हो जाता है। इसलिए ये जो परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का ये टॉमसन मॉडल का समर्थन नहीं करता है, यानी ये मॉडल टॉमसन मॉडल को गलत साबित कर देता है, क्योंकि टॉमसन मॉडल ये कहना चाहता है कि भाई अल्फा कणों का प्रकीर्णन 1 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी हमने देखा कि इस प्रयोग में जो अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन है वो 1 से भी बहुत अधिक कोण पर उनका प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए ये जो प्रयोग है ये टॉमसन मॉडल का समर्थन नहीं करता है। तीसरी बात ये है, तीसरा प्रश्न देखा गया कि भाई इसमें हम लगभग ये जो अल्फा कण स्रोत है यहाँ से लगभग 8000 अल्फा कण की बौछार की गई सोने की पन्नी पर, तो इसमें लगभग 8000 अल्फा कण आप किए जाते हैं, इसमें अधिकांश अल्फा कण से बाहर निकल गए, तो ये इसके तथ्य है। जब आप इस निष्कर्ष की बात कर लें कि भाई इस जो मॉडल से क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इसका निष्कर्ष पहला ही आता है कि अधिकांश जो अल्फा कण है इस सोने की पन्नी से, इस सोने के परमाणु से अधिकांश कण बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है भाई, खोखला होता है, इसी वजह से इसी कारण से यहाँ से अधिकांश अल्फा कण से बाहर निकल जाते हैं, तो ये साबित हो जाता है कि हाँ परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर क्या हुआ, फिर प्रयोग देखा गया कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो न्यून कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है ये स्वयं धनावेशित होते हैं और जब हमारा नाभिक होता है ये भी धनावेशित होता है, तो जब नाभिक दोनों में प्रत्यक्ष बल कार्य करता है इसलिए ये जो अल्फा कण है ये प्रत्यक्ष होकर के और कुछ न्यून कोण पर उनका प्रकीर्णन हो जाता है। तीसरी बात ये देखी गई कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो 90 से भी अधिक कोण पर उनका प्रकीर्णन हो जाता है, वो लौटकर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, अपन जानते हैं कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा कण स्वयं धनावेशित होते हैं और नाभिक पर भी धनावेश पाया जाता है, इसलिए जब कुछ अल्फा कण वापस लौटकर आ गए तब रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया होगा, अनुमान लगाया संभावना बनती कि भाई जो ये जो अल्फा कण है अल्फा कण और नाभिक के बीच में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और इस बल के कारण जो अल्फा कण है वापस लौटकर आ जाते हैं। फिर यहाँ से अनुमान ये भी निकलता है कि भाई परमाणु जो होता है उसके परमाणु के बीच में उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित पाया जाता है, इसको नाभिक कहा जाता है, और इस परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होने की वजह से ही नाभिक पर धनावेश पाया जाता है, इसकी वजह से ही कुछ अल्फा कण जो है वो उससे टकरा करके इससे प्रतिकर्षित होकर के वापस लौटे आते हैं। तो इसलिए किसी ने बताया कि परमाणु के मध्य भाग में उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान पर उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान पाया जाता है, इसी वजह से जो अल्फा कण है टकरा करके वापस लौट आते हैं। तो ये उन्होंने निष्कर्ष दिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।